जो अपन मैच देखते हैं ना वेस्ट इंडीज में जो हो रहे होते हैं वो सारे स्टेडियम में होते हैं। इस घर में रियाना बड़ी हुई थी और पैदा हुई थी। मॉल में मतलब हर आदमी इतना भाई लंबा हट्टा कट्टा लेजेंड है, एक उनका स्टैचू है सर गैरी सोबर्स। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी बजे सुबह के 6 और मैं जाने लग रहा हूँ एयरपोर्ट, क्योंकि मेरी फ्लाइट है बारबाडोस की। पहली बारी मैं किसी कैरिबियन कंट्री जाऊंगा। मैं उनसे सोया नहीं, थकावट काफी हो रही है। होटल से चेकआउट करूंगा और हॉस्टल से, और बाहर टैक्सी ऑलरेडी मेरा इंतजार कर रही है। ओला आई से मुझे दोस्तों मिले। एयरपोर्ट तो पहुंच गया, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं करी थी रास्ते में कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और स्काईलाइन दिख रही थी गाड़ी से। जो मैं प्लेन से लैंड हुआ था तब मेरे को दिखी तो थी कुछ बड़ी बिल्डिंग, लेकिन मैं आते टाइम ना सिटी मेट्रो लेके गया था, मेट्रो और बसेज में धक्के खा के, तो तब तो नॉर्मल वही सिटी लाइफ सी दिखी थी। अभी मैंने नोटिस करा इनकी तो बढ़िया है स्काईलाइन यार। बैग उठाते और चलते अंदर। बोर्डिंग पास मैंने प्रिंट कर रखे, लेकिन ये बैग देना है चेक इन के लिए। ये है टर्मिनल 2 जिधर से मेरी फ्लाइट है कोपा एयरलाइन की। यार ये लगा तो देखते हैं, बोलते ही ये करके आओ, पर ये कभी काम नहीं करता मेरा तो। ये देखो हर बारी मुश्किल से 5 मिनट में हो गया होगा प्रोसेस पूरा खत्म, चेक इन का और बोर्डिंग वगैरह सारा का। बढ़िया मैनेजमेंट थी इनकी, दूर से ही ना बैग पे टैग लगा दिया जो बैग चेक इन कराना था, और जो लाइन लगी हुई थी एयरलाइन की वो बहुत छोटी थी और टैग तो ऑलरेडी लगा हुआ था, बस जाती बस एक बार बोर्डिंग पास दिखाना था और बैग वो अपने पास रख रहे थे। 5 मिनट के अंदर हो गया अब सिक्योरिटी और इमिग्रेशन। 5 ही मिनट में इमिग्रेशन और सिक्योरिटी भी हो गए। 10 मिनट हुए होंगे या 15 मिनट मैक्सिमम मेरे को एयरपोर्ट पे आए हुए, लेकिन इमिग्रेशन पे ना स्टैंप नहीं गिना उन्होंने पासपोर्ट पे। पता नहीं क्या चक्कर है, पासपोर्ट देखा और मेरा लेबनान का वीज़ा था, वो ध्यान से देख रहा था ऑफिसर, फिर उसके बाद लेकिन स्टैंप नहीं किया। फ्लाइट देखी और बोले जाओ, आते टाइम तो स्टैंप किया था लेकिन निकलते टाइम नहीं किया इन्होंने चेंज कर दिया गेट। टर्मिनल 2 से दिया लगी मेरी फ्लाइट और गेट अब टर्मिनल 1 पे कर दिया। बहुत दूर है इनके टर्मिनल से, वही 1,000-1,500 कदम चल के अभी इधर पहुंचा हूँ, ऑलमोस्ट 15 मिनट की वॉक है। एक घंटा चले बाद आया है गेट मेरा 123 नंबर। 2 घंटे अभी फ्लाइट उड़ने में आराम करता हूँ इधर। सबसे ज़्यादा धोखा लगता है जब एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक इन पे बोतल निकलवा लेते हैं पानी की, और बाद में पानी की बोतल खरीदनी पड़ती है। ये आई है $4 की, इंडिया के 350 रुपये का आधा लीटर पानी, मजबूरी में क्या ना करे आदमी। स्वागत है एक और नए देश में। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बाकी धूप तो है तेज, पर मीठी मीठी हवा चल रही है तो इतनी गर्मी लग नहीं रही। इमिग्रेशन होगी और अब बैगेज लेना है। बस इमिग्रेशन पे लेडी थी, वो पूछ रही थी क्या करते हो, कितनी रात रुकोगे। मैंने बता दिया कि कल तो मेरे को क्रूज लेनी है, क्रूज लेके यहाँ पे मैं अलग अलग आइलैंड में जाऊँगा नवांगपुर के साथ। तो फिर वो मेरा YouTube देखने लगी, फिर बात मारने लगी, फ्रेंडली थी काफ़ी, तो मेरी वीडियोस देख के पूछेगी वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे क्या किया, मतलब मजाक के उसमें। फिर बोली ठीक है जाओ मजे करना, लेकिन इन्होंने ना स्टैंप नहीं करी। मैं बोला कि पासपोर्ट स्टैंप नहीं कर देगा आप? बोली नहीं, लेकिन अगर आपको 100 स्टैंप चाहिए तो अंदर ऑफिसर से बात कर लो। फिर मैं अंदर गया एक ऑफिसर के पास, उसने मेरे पासपोर्ट पर स्टैंप कर दी। तो ये है कि चलो इधर की भी स्टैंप होगी मेरे पास पासपोर्ट पे। फ्लाइट में बैठने से पहले ना मैंने नोटिस किया कि इंडियंस थे कुछ, फ्लाइट में भी इंडियंस थे। मेरे साथ वाली सीट पे ही एक आदमी बैठे थे, उनकी बड़ी सी दाढ़ी थी, तो मुस्लिम टाइप लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, तो उन्होंने बोला इंडिया। हिंदी में बात करने लगे, फिर समझ गए जिस तरह मैंने पूछा उस हिसाब से, और मेरे को देख के भी। फिर उन्होंने बताया कि ना सूरत के आसपास, गुजरात में जो जगह है सूरत, उसके आसपास के सारे, मतलब लगभग 4,000 के करीब पॉपुलेशन है इंडियंस की। टोटल पॉपुलेशन बारबाडोस की 3 लाख है, छोटा ही आइलैंड है जिसमें से 4,000 होंगे, और सारे आपस में एक दूसरे को जानते भी है।
ये आ गया भाई एयरपोर्ट के बाहर में। एयरपोर्ट के बाहर निकल के बैठ गया मैं और अब इंतज़ार कर रहा हूँ नवांगपुर का। वो किसी टैक्सी ड्राइवर के साथ मुझे लेने आने लग रहा है। तो बेसिकली एक वेस्ट इंडियन कंट्री है, बारबाडोस आइलैंड कंट्री है। पॉपुलेशन लगभग 3 लाख है, एरिया लगभग 432 स्क्वायर किलोमीटर है। तो काफ़ी छोटी कंट्री है, छोटा सा आइलैंड है। रिहाना जो सिंगर है वो यहीं की है, एयरपोर्ट पर उसकी फ़ोटो भी लगी हुई थी। और गैरी सोबर्स जो क्रिकेटर थे वो भी यहीं के हैं और उनकी फ़ोटो भी लगी हुई थी इमिग्रेशन के पास पे, पास में एयरपोर्ट पे। कैरिबियन की सबसे ईस्ट मोस्ट कंट्री है। ऑफिशियल लैंग्वेज आगे इंग्लिश है, लेकिन जो वर्नेकुलर लैंग्वेज है, जो बोलने वाली लैंग्वेज है, वो बेजान है। वो बेसिकली एक इंग्लिश क्रियोल का डायलेक्ट सा ही है, बाकी इंग्लिश ही बोलते हैं मोस्टली सारे। मैं हूँ अभी ब्रिजटाउन एयरपोर्ट पे, जो कि इनकी कैपिटल सिटी भी है ब्रिजटाउन और लार्जेस्ट सिटी भी है। एक कॉमनवेल्थ कंट्री है बारबाडोस भी। यहाँ बारबाडोस में रिलीजन की बात करें तो 75% लोग यहाँ पे क्रिश्चियंस ही है। लगभग 20% लोग ऐसे जो कोई रिलीजन को नहीं मानते और बचे हुए 5% में फिर अदर्स और अनस्पेसिफाइड सारे ही आ गए। और एयरपोर्ट पे ना अंदर वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, पता नहीं क्या चक्कर था। हालांकि बहुत फ्रेंडली थी इमिग्रेशन वाली जो लेडी थी, वो तो बहुत फ्रेंडली थी। यहाँ के एथनिक ग्रुप्स की बात करें तो लोगों की बात करें तो 92% लोग यहाँ पे ब्लैक सी है। बाकी जो 8% 7.5% बचे उसमें मल्टी रेशियल लोग भी है, वाइट्स भी है, कुछ इंडियंस भी है या अदर्स भी है, वो सारे आ गए। लेकिन जो टॉप पोजिशन पर ना जितने भी सारी मतलब बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं जो बेसिकली इकॉनमी संभाल रहे हैं, वो मोस्टली वाइट लोग हैं। मोस्टली बारबाडोस की इकॉनमी भी टूरिज्म पे डिपेंड करती है। पहले यहाँ पे शुगर केन फार्मिंग वगैरह भी होती थी, पर अब पहले 50-50 सा था, अब मेरे ख्याल 90% तो टूरिज्म है, 10% लगा लो चीनी से होगी। यूरोप से, USA, कनाडा से, इन देशों से ज़्यादा टूरिस्ट आते इधर, क्योंकि मौसम सेम रहता है पूरे साल। डिग्गी तो खुलवा दे। खोल रहा है वो, आज ही खोलेगा। Hey man, what's up? Good, I'm good. How are you? I'm good, thanks. Yeah, I told him that I have 1 million, and he also has like 1 million. Oh, shock! 1 million. Yeah. You look like Brian Lara. Is he popular here? Huh? Brian Lara. In India also, he's very popular. अभी Dwayne Smith की गाड़ी हमारे सामने से गई, वो ही चला रहा है। सही बता। तू जानता भी है, नहीं ना? मैं चला दूँगा, मैं क्रिस गेल हूँ, मान भी लेगा। It's interesting that you have the right-hand drive as well, and you drive on the left side of the road. Is it because you were ruled by the Britishers like us as well? Yeah, even in India we have this, the right-hand drive. Okay. And we drive on the left side of the road. Right. Because of the British influence. Yeah, yeah, exactly. तो यहाँ पे भी रोड के लेफ्ट तरफ चलाते हैं अपने, सेम इंडिया की तरह ही, और राइट एंड ड्राइव है क्योंकि ये भी कॉमनवेल्थ कंट्री है और इन्हें भी ब्रिटिशर्स ने रूल किया था। आई थिंक इट गॉट रिपब्लिक, आई मीन 2 years ago, right? Yes. Yeah. तो 2 साल पहले रिपब्लिक हुआ है बारबाडोस, हालांकि इंडिपेंडेंट तो बहुत पहले हुआ था, पर इनका द कॉन्स्टिट्यूशन गॉट रिटन लाइक 2 years ago or something. Rewritten. Okay. ये यहाँ पे बेजन बोलते हैं, जो कि एक इंग्लिश क्रियोल का डायलेक्ट है आमतौर पे, बेसिकली जिन्हें बोलते हैं, जिसे बोलते हैं कि ब्रोकन इंग्लिश। इज क्रिकेट स्टिल पॉपुलर? एंड फुटबॉल? एंड फुटबॉल। ओके। बट आई वाज टेलिंग ओवर दैट द क्रिकेटर्स इन बारबाडोस या मोर बिग ऑन द वर्ल्ड स्टेज एट दैट लेवल देन क्रिकेटर्स ने ज्यादा फेमस किया है। या 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 दैट्स ट्रू। और मेरा नाम नवा रख दिया क्योंकि भाई मैंने नवांगपुर बताया ही नहीं, क्योंकि बोल ही नहीं पाता, तो सबको मैं वही बोल देता हूं। Can you pronounce his name? His name is Navankur. What? Navankur. No. Navankur. Navankur. इसी लास्ट में क्या मैं? हाँ यार. मैं गैस उसमें. Okay. भाई इन्होंने गाड़ी के शीशे भी नीचे नहीं कर रहे, कह रहे हैं बहुत सेफ है. ऊपर नहीं कर रहे. नीचे. मतलब गाड़ी के शीशे ऊपर नहीं कर रहे, कह रहे हैं बहुत सेफ है. बच्चों और तो आगे. He's like I leave my door open. Really? I mean, even if you like close the door, it's very low. Anyone can like jump over it and come. But it's safe. Nothing happens. Because crime is like non-existent. You don't have crime over here. No. Wow. Nothing happens. No. Wow. Like I'm coming from Central America, and they have like so many grills, security cameras, wires. It's like totally covered up. You just can't get in. Nah,
आज से 4 साल पहले कॉलेज से पास आउट होते ही मैंने कोई जॉब करने की जगह ट्रैवलिंग करनी स्टार्ट कर दी और इसे ही अपना फुल टाइम बिजनेस बना दिया। और फिलहाल 2023 में मैं 6 कॉन्टिनेंट्स और 70 से ज्यादा कंट्रीज में घूम और रह चुका हूँ। घर से बिना कोई पैसे लिए किसी देश में जाके मैंने एक्टिव वोल्केनो हाइक किया, तो किसी देश में जाके सर्फिंग सीखी, किसी देश में मैंने वॉलंटियर करके बच्चों को पढ़ाया, तो किसी जगह खुद क्लासेस लेके वहां की लैंग्वेज सीखी। मैंने दुनिया के सबसे एक्सट्रीम वॉर जोन से लेके वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव प्लेसेस और दुनिया की बेस्ट पार्टी सिटी से लेके चीपेस्ट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और मोस्ट विजिटेड टू लीस्ट विजिटेड कंट्रीज सब देखा। इन्हीं ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को जीने मेरा खर्चा भी काफी हुआ, लेकिन अपनी इस ऑनलाइन ट्रैवल ब्रांड से ही मैंने 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम भी करी। और इसीलिए अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हाउ कैन यू बी गेटिंग पेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड। वो सभी सवाल जो आप लोगों के मन में होते हैं, आप मुझसे पूछते हो कि ट्रैवल करके इनकम कैसे करें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैसे बने, या बिना सोशल मीडिया का यूज करें ट्रैवल से पैसे कैसे कमाएं, सोशल मीडिया से कैसे और एग्जैक्टली कितनी इनकम होती है, ट्रैवल के टाइम दोस्त कैसे बनाएं, प्लेटफॉर्म रेवेन्यू क्या और कितना होता है, ब्रांड डील्स या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, डेस्टिनेशन मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, ब्रांड क्रिएशन, गेटिंग पेड इंटर्नशिप्स अब्रॉड, जैसे सभी ट्रैवल से रिलेटेड टॉपिक्स को मैंने अच्छे से कवर करा अपने कोर्स हाउ टू गेट पेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड में। ये सिर्फ 1.5 घंटे का कोर्स आपको ट्रैवल और बिजनेस से रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा जो शायद आप सारी उम्र इंटरनेट स्क्रॉल करके ना ले पाए, और जिससे आप भी मेरी तरह दुनिया घूम के अपनी ड्रीम लाइफ जी सके और उसी से पैसे कमा सके। कोर्स मैंने ऑलरेडी मेरी वेबसाइट passengerparamvi.com पे अपलोड कर दिया और आप वहां जाके एनरोल कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अपार्टमेंट में रख दिया हमने सामान और पास में एक मॉल है 10 मिनट की वॉक पे, शेरेटन मॉल। मॉल में जाने लग रहे हम, कुछ खाने पीने का ले लेंगे, सिम कार्ड वगैरह मिला तो वो ले लेंगे, और धूप तीखी है पर हवा चलती है तो इसलिए इतना फील नहीं होता, पर वैसे तीखी धूप है, आसमान एकदम साफ है, सुबह बिल्कुल सही था वेदर। अभी तो भाई 12 बज रहे हैं। भाई नवांकुर की आदत है हर देश में इंडियन रेस्टोरेंट या सब पे, और इसने मेरे को भी आदत डाल दी, घूम फिर के यहाँ भी सब पे ढूंढ लिया। $10 में भाई लॉन्ग मील। $10 में US डॉलर है? नहीं PDS, मतलब $10 होगा US के। $10 में मील 12 इंच, तो मतलब इंडिया के 850 रुपये में 12 इंच का ये, और साथ में ड्रिंक भी, और ये वेफल फ्राइज ये भी, मील फिर तो सस्ता है, मिलती होगी 500 की। हाँ फिर तो सस्ती है, ऑल इंडिया से इतना डिफरेंस नहीं है फिर तो, बाकी चीज़ें बहुत महंगी है क्योंकि। भाई मॉल में थे अभी, मॉल से निकले, और भाई मॉल में अपन जैसे टीवी में देखते नहीं थे कि वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम सारे इतने तगड़े तगड़े होते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। असली में भाई मॉल में मतलब हर आदमी इतना भाई लंबा टकटा तगड़ा, लंबा नहीं मतलब तगड़े भी साथ में, बहुत आदमी मेरे को ऐसे दिखे क्योंकि मैं सेंट्रल अमेरिका में था, मेरे को कोई आदमी लोकल दिखा ही था जो मतलब मेरे साइज में मेरे जितना है मेरे से लंबा हो। यहाँ पे भाई मॉल में 3-4 तो मेरे से लंबे दिखे और तगड़े तो पता नहीं कितने दिखे भाई, होते हैं तगड़े नेचुरली, इनके जेनेटिक्स ही ऐसे है। तो बहुत पतला लग रहा था उनके सामने भाई। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम अपन सोचते थे ना सारे ऐसे होते हैं, सही में ऐसे है भाई सारे, बहुत तगड़े तगड़े बिल्कुल जिनावर से। स्वागत है आप सभी का एक नए दिन में, मैं हूँ अभी बारबाडोस विच इज अ कंट्री इन द कैरेबियंस। वेस्ट इंडीज के नाम से आप शायद ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि अपने इंडियंस को ज़्यादातर पता नहीं होता किधर है कैरेबियन, और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम आपने देखी होगी उसमें सारे जो कैरेबियन के आइलैंड्स है बेसिकली अलग अलग कंट्रीज है, पर ये एक टीम होके खेलते हैं वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से क्योंकि छोटे छोटे आइलैंड है। तो यहाँ से आज हम लेने वाले हैं क्रूज रॉयल कैरेबियन की, और क्रूज लेके हम ट्रैवल करेंगे और कैरेबियन आइलैंड्स में, और क्रूज तो रात के 10 बजे की है, लेकिन अभी जिस अपार्टमेंट में हम रुके हुए थे उस अपार्टमेंट से बाहर निकले, यहाँ से चेकआउट किया और जाएंगे ये जो हार्बर है इनका उस हार्बर की तरफ, वहाँ से क्रूज लेने के लिए। मेरे साथ में नवांकुर है यात्री डॉक्टर, हमने साउथ कोरिया ट्रिप साथ करी थी और ये दूसरा ट्रिप है जो हम साथ कर रहे हैं। कल ही आया था नॉर्वे से और मैं आया था पनामा से, मैं सेंट्रल अमेरिका ट्रैवल कर रहा था, ये यूरोप ट्रैवल कर रहा था, तो हम बारबाडोस में फाइनली मिले। अब हम साथ ट्रैवल करेंगे अगले 3 हफ्ते के करीब। इधर का वीज़ा प्रोसेस क्या है इंडियंस के लिए? वीज़ा फ्री बारबाडोस का है, लेकिन दिक्कत क्या है कि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, आ ही नहीं सकते कोई भी भाई, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं आता, आपको शेंगन से आना पड़ेगा। एम्स्टरडेम से फ्लाइट चलती है बारबाडोस की डायरेक्ट, फ्रांस से चलती है एयर फ्रांस, और यूके से चलती है ब्रिटिश एयरवेज। तो आपको इन कंट्रीज जाने के लिए ही पहले वीजा चाहिए होगा, तो अगर ये वीजा ले लिया तो ऑब्वियसली ये कंट्रीज तो वैसे ही वीजा फ्री कर देती हैं फिर तो सारी। डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है लेकिन अपने पास, लेकिन फिर भी अपने को या तो शेंगेन वीजा या अमेरिकन वीजा हो क्योंकि इधर से ही फ्लाइट मिलेगी। पहले एयर फ्रांस का ट्रांजिट फ्री था पर वो बंद कर दिया उन लोगों ने, वरना वो आ सकते थे। ये पड़े हमारे बैग और थोड़ी देर में हम निकलेंगे पोर्ट की तरफ, उधर इमिग्रेशन होगी ना। बाकी मैं इससे पहले सेंट्रल अमेरिका घूम रहा था तो उन देशों में ना, क्योंकि मेरे पास अमेरिकन वीजा था तो वीजा ऑन अराइवल था, जैसे जिन जिन देशों में मैं गया, होंडुरस, एल सेल्वाडोर, ग्वाटेमाला, मेक्सिको और जितने भी वो देश थे, पर उसमें अगर आप एज एन इंडियन और आपके पास अमेरिकन वीज़ा नहीं है या फिर शेंगेन वीज़ा नहीं है तो आपको अलग से वीज़ा लेना पड़ता है उन देशों का। तो ये मेरे को फ़ायदा था कि भी वीज़ा एग्जेम्पशन हो गई थी इन देशों में, एम्बेसी में के चक्कर नहीं काटने पड़े थे इंडिया में।
इधर वीजा फ्री था लेकिन मेरे को डायरेक्ट फ्लाइट मिली थी क्योंकि मैं सेंट्रल अमेरिका से आया था, मैं पनामा में था, पनामा से मैं इधर फ्लाइट लेके आया। और इंडिया से तो यहाँ बहुत दूर है यार, अपने को पता ही नहीं कितनी कितने सारे आइलैंड्स हैं, मेरे को भी ढंग से नहीं पता है बाकी सारे, ये ट्रिप प्लान करा तब पता चला। तो इनको घूमने का बेस्ट तरीका ही है कि आप भी कोई क्रूज ले लो या शिप ले लो, क्योंकि खुद से तो कैसे घूमोगे, या तो आपके पास अपनी प्राइवेट यॉट हो या फिर बोट हो। तो उसी तरह हमने कोई वो कराई थी रॉयल कैरेबियन नाम से, अमेरिकन कंपनी है शायद वो, लगभग एक लाख रुपये ही कराई थी, तो दो जनों में 50,000 ऑलमोस्ट लगा लो। और 8 दिन गए उसमें, 7 रात 8 दिन, और वो रोज़ अलग अलग आइलैंड्स में ले जाएगी, वो आप अभी देखोगे। ये बाकी यहाँ से कुछ नज़ारा है, अभी ना आसमान बिल्कुल साफ है, और इनका मौसम ना पूरे साल सेम सा रहता है, तो टूरिज्म पे इनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, रिलाई करती है, अमेरिकन कैनेडियंस मोस्टली ये लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, और कुछ ऐसा यहाँ पे है नहीं, सब कुछ इम्पोर्ट ही कराते हैं क्योंकि आइलैंड है बेसिकली। जिम भाई, एक तो इनका एक्सेंट नहीं समझ में आता, ये भाई पता नहीं क्या बोल जाते हैं। Nah, I just packed it in a different package. I didn't want to carry the box with me, so I took it in a... This bottle was in here? Yeah, it was inside. Yeah, bhai, George hai, hamara host. Roger, sorry. Roger, our host. Very cool guy. Yeah, wow. Oh. Ready? Yeah. Yes. Yeah. Your restaurants. Yeah, so I was mentioning it yesterday to Roger that he looks... like Brian Lara. Don't you guys agree? Comment down. And I look like Chris Gayle. Chris Gayle and Brian Lara hanging out in Barbados. And we have Yuzvendra Chahal in the back. There's one Indian cricketer. His name is Yuzvendra Chahal. He's very short, very skinny. He's that guy. Gayle, Brian Lara and Yuzvendra Chahal. ये देखो भाई यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं लोग, और ये तो गोरे हैं भाई, गोरे लोग खेल रहे हैं क्रिकेट। ये देखो वेस्ट इंडीज में क्रिकेट, अरे तो यार इनका मैच चल रहा है, नहीं बीच में जाके अपन पहुंच जाते ना बैटिंग, तो जैसे अपन बचपन में इंडिया में खेलते थे, बुड्ढे अंकल नहीं जाते थे बॉलिंग करो मुझे। This looks like a cool place. We should have come here before Namangkur. But you were sleeping, man. Yeah, because I call you guys this morning. Like. Look, ये मान लो 70-30 का रेशो है। भाई ये तो मस्त लग रहा है बीच, देखियो। हाँ, बिल्कुल। और भाई स्काई ब्लू और आगे नेवी ब्लू पानी। हमारा दोस्त है ना, वो बोला मैं तुम्हें छोड़ तो आऊंगा गाड़ी में, बोला लेकिन मैं तुम्हें रास्ते में घुमाऊंगा, इसलिए तुमने बार बार दोस्त देखा नहीं क्योंकि हम तो थकावट उतार रहे थे मोस्टली अपनी। बाहर निकले तो भाई इतना सुंदर ये बीच, उधर लोग क्रिकेट खेल रहे गोरे, और यहाँ पे मोस्टली बड़ी उम्र के बुजुर्ग लोग आए हुए सारे बीच पे लेटे, और बीच देखो यार कितना खूबसूरत, मस्त है ना यार, इधर आना चाहिए था यार, अब धोखा लग रहा है। तेरे को हर चीज ना करने के बाद धोखा लगता है, जैसे कि तेरे साथ ट्रैवल करना भी धोखा लग रहा है। चल कोई नहीं, अब रोज समुद्र में धक्के खाने किसी और देश में करेंगे, यही पानी है, थोड़ी दूर जाती है एक और आइलैंड आ जाएगा, कहीं ट्रिनिडाड आ जाएगा, कहीं सेंट्रल लूसिया आ जाएगा, ये समुद्र तो बदलने से रहा। कंट्री गिनवा दे कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम, गाड़ी में बताऊँ आजा। ये है क्रिकेट लेजेंड्स बारबाडोस, यानी कि वेस्ट इंडीज जब भी कोई क्रिकेट ट्रॉफी जीतता है तो उसे बारबाडोस में रखा जाता है, और इस जगह ये बेसिकली इनका क्रिकेट म्यूजियम सा कह लो है जो भी। ये गार्नर इनके जो क्रिकेटर थे उनका नाम लिखा है यहाँ पे। ये भाई वेस्ट इंडीज का क्रिकेट स्टेडियम है, जो अपन मैच देखते हैं ना वेस्ट इंडीज में जो हो रहे होते हैं वो सारे इस स्टेडियम में होते हैं मोस्टली। ये भाई ग्रेटेस्ट क्रिकेटर माना जाता है जिनको, हम इंडियंस शायद इस बात से एग्री ना करें, हम सचिन तेंदुलकर को मानते हैं, पर देखा जाए तो लेजेंड है, एक उनका स्टैचू है सर गैरी सोबर्स। ये देखो भाई रिहाना ड्राइव, मतलब सड़क का ही नाम रख रखा है रिहाना ड्राइव।
यहाँ पे जो पॉपुलर सिंगर है रिहाना उसका घर है, आप सबने सुना ही होगा रिहाना। This is Rihanna's house? It's where she grew up. This one. भाई इस घर में रिहाना पैदा हुई, मतलब बड़ी हुई थी और पैदा हुई थी। ये जगह है भाई रिहाना ड्राइव, और इधर लिख भी रखा है वेलकम टू रिहाना ड्राइव। तो रिहाना जब छोटी थी इन्हीं सड़कों पे खेलती होगी, स्टेपू गिल्ली डंडा और इनके क्या क्या मस्ते हुए गए। अपने तो स्टेपू खेलती है छोटी लड़िया यहाँ पे भाई देख लो स्टेपू या जो भी खेलती होगी रिहाना। ये देखो रिहाना ड्राइव, ये एक इधर सड़क है और इस सड़क में उसका बचपन का वो घर था जो आपको दिखाया गया। वो है अपना जहाज सामने जो है भाई, पर ना हमको सारे समझ रहे हैं इधर काम करते हैं, हर आदमी बोल रहा है काम करते हैं तुम, इधर आ जाओ साइड में, हम बोलते हैं भाई गेस्ट है। यहाँ पे इस भाई ने ना ये जैकेट पहन के दिखाई थी, बाई चांस शिप डूबने लग जाए ना तो किस तरह बचना है।